Close friends, we are going to the concluding part of the chapter 3, Human Reproduction, part 11.1, Embryonic Development, Parturition and Lactation we will discuss today. As you know, after implantation of the embryo, the developmental journey goes on. And the three germ layers, ectoderm, endoderm, and in between them, mesoderm is formed. And three germ layers are there. And all these germ layers are capable to give rise to the different body parts of the developing embryo or fetus. As a whole, the stem cells are there, and in this inner embryonic mass of the blastocyst, the stem cells are capable to form any body cell type, and therefore these stem cells are present in the inner cell mass of the embryo. What happens after the formation of three germ layers, the ectoderm, endoderm and the mesoderm? The organs, the tissues are designed, and in first trimester of pregnancy, generally after 1 month, heart formation takes place in the embryo. Heart is formed. By the end of second month, limbs, hand or pair, and digits, the fingers, are also developed. By end of 12 weeks, limbs as well as the external genital organs are formed. कहने का मतलब है कि पहले प्रेगनेंसी 9 महीने का होता है gestation period आदमी में, तो first 3 मंथ में क्या क्या बनता है, तो पहला मंथ में हृदय का निर्माण हो जाता है, हार्ट का निर्माण हो जाता है, फिर दूसरे मंथ के अंतिम समय में लिम्स और उनके फिंगर डिजिट्स जो है ये बन जाते हैं, और जब 12 सप्ताह बीत जाता है, 12 वीक बीत जाता है, तो लिम्स के साथ साथ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स का भी निर्माण हो जाता है। तो पहला जो फर्स्ट मंथ है, ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यह बड़ा क्रूशियल स्टेज होता है। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान कोई मेडिसिन, कोई दवा अपने मन से नहीं लेनी चाहिए और प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑर्गेनोजेनेसिस इज गोइंग ऑन, ऑर्गन्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो। इन सेकंड ट्राइमेस्टर जो 3-3 महीने में अगर बांटेंगे तो 3 महीना तो ये हो गया शुरू का। दूसरे तिमाही में क्या होता है कि फीटस का मूवमेंट 5th मंथ में मदर को अनुभव होने लगता है, उनका हाथ पैर वगैरह हिलता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और इस तरह से लोग बताते हैं कि 5th मंथ में फीटस में मूवमेंट आ जाता है और माथे के ऊपर हेयर का ग्रोथ आ जाता है इसी मंथ में। इसके एंड हो जाते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के, मतलब 6 महीना बीतते बीतते हेयर्स ऑन बॉडी आ जाते हैं, ग्रोथ हो जाते हैं, आईलिड का बाइफर्केशन हो जाता है, कट आ जाता है, सेपरेशन हो जाता है, और आई लैशेज भी बन जाते हैं ये 6th महीना के अंत होते होते। अब उसके बाद एम्ब्रियो जो है 3rd ट्राइमेस्टर में इंटर करता है, और यहाँ पर 3rd ट्राइमेस्टर के अंतर्गत मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनोजेनेसिस इज कंप्लीटेड एंड एम्ब्रियो ग्रोज एंड इट गिव राइज आफ्टर द एंड ऑफ 9 मंथ्स पार्टुरिशन और बर्थ अकर्स। थैंक यू।